और इस हर बार भी यही है कि और इस हर बार इंडिया नेशनल डिपार्चर है। इस साइड पर मैं पिक्चर कर रहा हूँ अपने साथियों के साथ। इस साइड पर ऑफिस प्लॉट है। तो इस तरफ डोमेस्टिक डिपार्चर है मुलत करवाएंगे। ये इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे है और फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ आकर लैंड करती हैं जो पाकिस्तान आती हैं, और जो पाकिस्तान से अदर कंट्रीज जाती हैं वो यहाँ से फ्लाई करती हैं। और आपके सामने एरोप्लेन भी नज़र आ रहा होगा। ये जो एरोप्लेन है ये एयर ब्लू वालों का है। और रनवे की जो सारी लाइट्स हैं वो ऑन हैं, और मैंने जो वीडियो है वो भी रात टाइम बनाई है क्योंकि ज़्यादातर जो फ्लाइट्स होती हैं उनका जो शेड्यूल है वो रात के टाइम होता है। ये इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रनवे की तरफ से बिल्डिंग है, और यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो आते खड़ा होता है और वहाँ से पैसेंजर बैठते हैं। और एरोप्लेन जो है वो रनवे से आ रहा है जो थे इस बिल्डिंग के साथ आते खड़ा होगा और इसमें पैसेंजर बैठेंगे, और सारा स्टाफ जो है वो भी फ्लाइट के साथ जाने के लिए रेडी है। ये है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूसरी साइड से बिल्डिंग। ये मैं आपको दूसरी बिल्डिंग दिखाता हूँ जो कि सारी रनवे की तरफ से है। मैं इस वक्त इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूँ और मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं वो थोड़ा पास जाके वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। फ्लाइट का टाइम होने वाला है और एरोप्लेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, और आपके सामने उसकी लाइट भी नज़र आ रही है। और एरोप्लेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है जिधर से पैसेंजर बैठेंगे। ये देखें बिल्कुल स्लो स्लो बिल्डिंग के साथ जाके भी खड़ा हो गया। तो इसके बाद इसमें पैसेंजर बैठेंगे और फिर एरोप्लेन जो है वो फ्लाइट कर जाएगा। एरोप्लेन का टॉप भी आपके सामने वाली वीडियो में से नज़र आ रहा है। 10 मिनट तक फ्लाइट जो है वो जाने वाली है जो इससे पहले एरोप्लेन आया था, और इस एरोप्लेन में जो है वो तो 1 आवर तक फ्लाई करना है। तो मैं आपको जो पहले एरोप्लेन आया था उसको फ्लाई करते हुए आपको दिखाऊंगा। तो अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है और एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करने वाला है। या आपके सामने एरोप्लेन जो है वो रनवे के ऊपर जाता हुआ नज़र भी आ रहा है, और यहाँ वहाँ से ये फ्लाई करेगा। तो मैं आपको एरोप्लेन फ्लाई करता हुआ दिखाता हूँ। एरोप्लेन जो है वो रनवे के ऊपर चक्कर लगा रहा है और अब वो दूसरी साइड की तरफ घूम रहा है। और
साउंड लगाते लगाते फ्लाइट आई थी। अब देखते हैं कैसे फ्लाइट करता है, क्योंकि मैं तो आज पहली दफ़ा देखने ले रहा हूँ। और ये देखें, एरोप्लेन ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है और ये रन वे के ऊपर दूसरे ट्रैक की तरफ जा रहा है। ऐसे ही ये राउंड लेता लेता बार बार फ्लाई करने लग जाएगा। तो मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा कि एरोप्लेन जो है वो कैसे फ्लाई करता है। अब तो आगे जा रहा है, लेकिन पता नहीं अब ये किस साइड से फ्लाइट करेगा। तो एरोप्लेन जो है वो अपनी ट्रेड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस एरोप्लेन में जितने भी पैसेंजर बैठे हैं उन्हें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें और उन्हें उनकी मंजिल तक खैर खैरियत से पहुँचा दें। एरोप्लेन जो है वो अब चंद ही सेकंड में फ्लाई करने लगा है। एरोप्लेन जो है वो अब स्पीड से जा रहे हैं और फ्लाई ऊपर की तरफ करने लगा है। वो देखें, ऊपर की तरफ फ्लाई उसने कर लिया है। आपके सामने लाइट भी स्काई में नज़र आ रही है, ये एरोप्लेन की है। और अब ये आराम से जो दूसरी साइड पर टॉवर है उसके पास आएगा। जितने भी लोग कंट्री से बाहर जा रहे हैं या कंट्री के अंदर हैं, अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और दूसरे एरोप्लेन के फ्लाई होने की जो अनाउंसमेंट है वो भी हो रही है, और वो एरोप्लेन भी इसी तरह फ्लाई करेगा और वो भी सामने रनवे की तरफ जा रहा है। और थोड़ी ही देर में ये भी एरोप्लेन फ्लाई कर जाएगा। इधर मेरे पीछे खाने पीने का सिस्टम भी है, बेकरी है, तो मैंने लिए हैं लेज 100 वाले, जो मुझे मिले हैं 125 में, 25 रुपीज़ मिले हैं। और जो जूस बाहर 30 रुपीज़ का है वो यहाँ पे 45 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ उन्होंने ऐड कर लिए हैं। इतनी महंगाई है, वैसे तो बाइक इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि इधर दूसरे मुल्कों का रोड में आना होता है, हमें नहीं पता होता। और ये है मेरे पीछे बाल तो पहले तो मैं आपको इसी मस्जिद दिखाता हूँ। और ये जो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये इस एयरपोर्ट की मस्जिद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, इधर पहले इसकी पार्किंग होती थी, तो उन्होंने इधर से पार्किंग को हटा के पीछे ले रही है और इस जगह को खाली छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो इसका एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। पार्किंग पीछे लेके जाने की वजह से ये जो एयरपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा खुला हो गया, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा खुला है, उसी तरह से ये भी एयरपोर्ट खुला हो गया है। और पार्किंग जो है वो लास्ट ऊपर चली गई है। Thank you.
बहुत ज़्यादा सहूलत है हर चीज़ की। एटीएम बैंक है, अगर किसी ने यहाँ से कोई कैश वगैरह निकालनी है तो वो निकलवा सकते। मेट्रो सिटी लैब वाले है कैब सो रहे हैं, जिनके सुबह सुबह का टाइम है और अभी थोड़ा सा ही रोशनी हुई है। अराइवल है यहाँ पे पैसेंजर के लिए वेटिंग एरिया भी बना हुआ है, जहाँ पे वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। और इस साइड पर है मालूमात जाए प्रवास फ्लाइट इंफॉर्मेशन के, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि फ्लाइट किस टाइम आएगी। ये किसी का डोमेस्टिक अराइवल है अंदरूनी मुलक अहमद, तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल अराइवल है। ये मेरे पीछे इंटरनेशनल अराइवल है और साथ उसका जो शेड्यूल है वो बना है। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और मेरे पीछे जो लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसकी लुक कुछ इस तरह की है। स्प्रेड बने हुए हैं, ये प्लांटेशन इन्होंने की हुई है चारों साइड पर और सेंटर में भी इन्होंने कुछ काम लगाए हैं और ग्रास के बैठे हुए साथ। तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट से बाहर, ये निकलने लगे हैं आप बाहर। तो एयरपोर्ट वालों ने हमारे से 210 रुपीस पार्किंग के लिए लिए हैं। पता नहीं इतनी महंगाई हो रही है, अब इस जमाने में बंदा करे भी क्या। तो एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल आया हूँ। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह पाक आप अपने ईमान में रखे, अपनी रहमत साए में रखे, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।